नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 14 में निर्माणाधीन कार्य की प्रगति धीमी, पैसे का हो रहा बंदरगाट। पूर्व पार्षद, आपको बताते चले, नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 14 में सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ है, परंतु कार्य की गति बहुत धीमी है, जिससे यह प्रतीत होता है कि बरसात तक सड़क का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा और आनन फानन में लीपापोती करके सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा, जिससे सड़क की गुणवत्ता और भी प्रभावित होगी। सड़क का निर्माण जो कराया जा रहा है वह मानक विहीन है, मानक के अनुसार नहीं कराया जा रहा है। पूर्व पार्षद चंद्रभान के द्वारा क्या बताया गया है, आप इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि निर्माणाधीन सड़क में प्रभारी CMO ठेकेदार एवं इंजीनियर की मिलीभगत से सही ढंग से कार्य नहीं कराया जा रहा है, पैक केवल पैसे का बंदरबाट हो रहा है। यदि सही तरीके से निष्पक्ष जाँच की जाए तो भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आएगी। कलेक्टर रीमा का ध्यान वार्ड क्रमांक 14 की ओर दिलाना है, ताकि निर्माण कार्य मानक विहीन ना हो सके, सही तरीके से संपादित हो सके। सूत्रों का कहना है कि केवल सड़क में कार्य ऑप्शन औपचारिकता निभाई जा रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से दिनेश द्विवेदी के साथ कमलेश शुक्ला की स्पेशल रिपोर्ट। पिछले बेर BRGF फंड के तहत रोड में माने मंजूर भाई माने ठेकेदार रहे हैं, जो लोग बाग बनवाई माने पायलट तक चलवा ही नहीं था। कितना मंजूर हुआ था? अब राश कंफर्म नहीं, आप जा करके CMO साहब से उसकी अभी आपने बताया 84 लाख। नहीं वो तो मतलब हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म नहीं है माने हाँ आप कम से कम 14-15 हैंड पंप जो लगे हैं, तो छोट मशीन से महाराजिया में लगे हैं। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो 84 लाख जो है आपके पार्षद रहते जो है? नहीं, हमारे पार्षद रहते नहीं। किसके कार्यकाल में? माने इसमें पार्षद है वो हमका लागत है के रहा है, आशा देवी माझी पार्षद थी उस समय हमारे 14 नंबर, और रिका उमेश कुमार गुप्ता थे उस समय। इसकी जानकारी मुझको नहीं कितनी राश है कितनी नहीं, लेकिन मंजूर हुआ था। तो आप क्या चाहते हैं कि उस पैसे का जो गबन हुआ है उसका उसकी फाइल उसका चिट्ठा खुलना चाहिए? आप ये सब आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप चाहे जो कर सकते हैं, और जो वर्तमान में रोड में काम चल रहा है, बरसात आ जाएगी, लोगों को किसानों को आने जाने का मार्ग नहीं रह जाएगा, आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा। हम लोग 4-5 बार मुख्य नगर पालिका अधिकारी से भी कह चुके हैं कि जो वर्तमान में 1 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई है पीली रोड माननीय विधायक श्यामलाल द्विवेदी के जरिए, तो उसमें त्वरित गति से काम चालू की जाए। किसानों आप ये बताइए कि आप वार्ड क्रमांक 14 से पार्षद पद के प्रत्याशी है, और आपके यहाँ महाराजिया में जो सड़क बन रही है, क्या वो मानक विहीन बनाई जा रही है कि गुणवत्ता पूर्ण है? हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब मानकों का पालन किया जा रहा है, और जब हम लोग कहते हैं कि इसमें मटेरियल और डालिए फला फला, क्या आपको लग रहा है कि आप हमेशा जाते हैं देखते हैं, आप जनता का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, आप ये बताइए कि वो सड़क गुणवत्तापूर्ण बन रही है या गुणवत्ता विहीन है? हमने इंजीनियर से भी कहा कि सर उसमें जो पत्थर के बालू वाला डाला जा रहा है, तो बोले एस्टीमेट में यही है, इसके बाद मतलब वो मटेरियल डाला जाएगा, अभी मटेरियल पूरा बिछाया नहीं गया है, बीच बीच में इकट्ठा किया गया है, और जो भी एस्टीमेट में है उसके तहत किया जाएगा। क्या आप ये मान सकते हैं कि वो सड़क गुणवत्ता विहीन है? अब इस संबंध में हमने इंजीनियर को 2-3 बार आपको क्या लग रहा है, सही मानक पर बन रही है या नहीं? आप क्या मानते हैं? हमको तो यही लग रहा है।